नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी जानकारी बताने जा रहे हैं। देखिए, मेरे पास बाइक है बजाज प्लेटिना, और इस बाइक में समस्या क्या हो रही है कि 3-4 दिनों में ही इसके फिल्टर बॉक्स में ऑयल चला जाता है। अब वो कहाँ से चला जाता है आपको बता देते हैं। तो देखिए, इंजन से डायरेक्ट यह पाइप जाता है, यह पाइप फिल्टर बॉक्स में चला जाता है। यहाँ से होता हुआ अंदर की वो फिल्टर बॉक्स में चला जाता है। अब इसका काम क्या है देखिए, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 3-4 कारण होते हैं फिल्टर में आए जाने के। सबसे पहला कारण है, अगर यह पाइप ब्लॉक हो, यह पाइप अगर बंद हो जाए कहीं रास्ते से, या कट फट जाए, तो भी फिल्टर बॉक्स में ऑयल जाएगा। दूसरा कारण है, पिस्टन रिंग अगर ख़राब हो, साइलेंसर से अगर वाइट स्मोक दे रही है गाड़ी, पिस्टन रिंग ख़राब हो जाती है, उस वजह से भी यहाँ से फिल्टर बॉक्स में ऑयल चला जाएगा। और तीसरा कारण है दोस्तों, चलते चलते गाड़ी अगर गिर जाती है एक साइड, इस पाइप से ऑयल फिल्टर बॉक्स में चला जाएगा। यहाँ से होते हुए, यहाँ से निकल के यहाँ से होते हुए फिल्टर बॉक्स में ऑयल चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बता दें इस पाइप का काम क्या है। तो इस पाइप का काम है दोस्तों, कंबर्सन चैम्बर में जो गैस बनती है वो एग्जॉस्ट वाल से होकर साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है, मगर जो पिस्टन के निचले वाले हिस्से का जो गैस है वो यहाँ से निकलता है। आप समझिए, पिस्टन के जो निचले वाले हिस्से में पिस्टन अप एंड डाउन होगा, जब डाउन होगा तो भी गैस बनती है और वो गैस यहाँ से निकल जाती है। तो इस पाइप को क्लियर रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, साफ रखना बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान रहे कि यह पाइप कहीं से कटी भी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।